दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्या और ऋषभ पंत ने पहले मुकाबले में मचाया तूफानी उत्पात। जी हां दोस्तों, आज बीसीसीआई ने एक अभ्यास मैच कराया जहां पर इस अभ्यास मुकाबले में दोनों टीमों के बीच खतरनाक रोमांच देखने को मिला, जहां पर दोनों टीमों के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया जिसको देखकर अंत तक ये कह पाना मुश्किल हो गया था कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। तो वहीं पर अंतिम ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 17 रन चेज करते हुए इतिहास रच दिया। आखिरकार कैसे अंतिम ओवर में सूर्या ने भारत को जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ इस अभ्यास मुकाबले की हाईलाइट का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है। इससे पहले आज बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करते हुए एक फ्रेंडली मुकाबला कराने का प्रस्ताव रखा और इसी कड़ी में आज ये मुकाबला खेला भी गया, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में थी, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की कमान केन विलियमसन के हाथों में मौजूद थी, जहां पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। अब ऐसे में हम इस मुकाबले की हाईलाइट आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले इस मुकाबले में केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर पारी की शुरुआत करने के लिए आए एलन और कॉनवे ने शानदार शुरुआत की, लेकिन दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों को 2 और 3 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा बल्लेबाजी करने के लिए आए केन विलियमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। इसके अलावा दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे मिशेल ने 55 गेंदों पर 65 रन की पारी खेल दी। इतना ही नहीं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप 25 गेंदों पर 51 रन की पारी बनाकर नाबाद रहे। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 200 रन का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाकर टीम को 185 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इस बीच 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जैसे ही भारतीय टीम आई, तो भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत कर दी, और जहां पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम साउदी ने भारतीय टीम को रिमांड पर ले लिया। दरअसल शानदार बल्लेबाजी करती हुए टीम साउदी ने भारतीय टीम के सामने तहलका मचा दिया और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल कर लिए। दरअसल चौथी गेंद पर शुभमन गिल को 3 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को भी मात्र 1 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया गया, और अब मुकाबला पूरी तरह से पलट गया था। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, जहां पर पावर प्ले के अंतिम ओवर में भारतीय टीम को अचानक से बहुत ही तगड़ा झटका लग गया, और जहां पर गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन ने चौथी गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज को 12 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या को पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड कर दिया, और लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर ऐसा तहलका मचाया कि जिसके सामने विरोधी टीम घुटने टेकने को मजबूर हो गई। दरअसल दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपना अपना अर्धशतक पूरा किया, साथ ही साथ पारी को संभाल कर शतकीय साझेदारी कर दी, लेकिन मुकाबला तब जाकर रोमांचक हो गया जब जीत के लिए 2 ओवर में 27 रनों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में 2 चौके लगाकर अपना विकेट 84 रन के स्कोर पर टीम साउदी की गेंद पर LBW आउट होकर दे दिया, जिसके बाद अंतिम ओवर में जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता पड़ी और गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन आए, और ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ दिए, और अभी भी 3 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में अगले 2 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाए और अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 90 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के पहले मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।